हेलो एवरीवन, आज है 13 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अशोक लेलैंड के बारे में। देखिए, शेयर आज 52 रुपीज तक का हाई बना चुका था। एक्चुअल में प्रीवियस क्लोज इसका जब 48 रुपीज था और ओपन ही 52 रुपीज पर हुआ था। एक बहुत बड़ी रैली के साथ ये शेयर ओपन हुआ था। रीजन ये था कि कल जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने अनाउंसमेंट की थी कि भैया 20 लाख करोड़ रुपए तक का राहत पैकेज दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद आज अगर हम देखें तो तकरीबन बहुत सारे शेयर्स थे जो अपने ओरिजिनल प्राइस से काफी बड़े प्राइस पर ओपन हुए थे। मतलब तकरीबन तकरीबन 5 से 10% की रैली के साथ ओपन हुए थे सारे के सारे शेयर्स, लेकिन बाद में धीरे धीरे शेयर टूटते गए। कुछ शेयर्स में गिरावट आती चली गई क्योंकि रिपोर्ट्स आना शुरू हुई कि भैया इन सेक्टरों को कोई इतना बड़ा फायदा नहीं मिलने वाला है, और उसी के चलते गिरावट आई है। लेकिन अशोक लेलैंड को लेकर एक अच्छी खबर भी है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और इस शेयर में इस प्राइस पर खरीदारी करना सही डिसीजन रहेगा कि नहीं, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, 48 रुपीज के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। आज ऑलमोस्ट एक बहुत बड़ी रैली आई जरूर थी, 52 रुपीज तक पहुंचा जरूर, लेकिन एंड ऑफ द डे वापस सारी की सारी गिरावट देखने को मिल गई। पिछले एक महीने की हम बात करें तो एक महीने में 5.5% का ग्रोथ है। इस बीच अगर आप देखें तो देखिए, 46 रुपीज के ऊपर शेयर ट्रेड करा था, तेजी आई 49 तक पहुंचा, गिरावट आई 44 पर गया, फिर तेजी आई 52 रुपीज तक पहुंचा, फिर गिरावट आई, पहुंच गया 46 पर। अभी फिर रैली आई है और 48 रुपीज के आसपास जरूर पहुंचा ये शेयर। पिछले एक साल में अगर हम देखें तो 41% से भी ज्यादा की गिरावट है। इस बीच शेयर 34 रुपए तक का लो भी बना चुका है, और देखिए कहाँ से गिरता हुआ है, 93 रुपीज से गिरता हुआ आया है। शेयर में पहले गिरावट आई, 60 रुपए से भी नीचे ये शेयर चला गया, फिर रैली आई और शेयर पहुंच गया सीधा 85-86 रुपए के आसपास। लेकिन उसके बाद फरवरी महीने तक, इवन 24 फरवरी तक ये शेयर 85 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा था। उसके बाद भयंकर गिरावट आई जब कोरोना की खबर आई, और जब इंडिया में ये काफी ज्यादा फैलना शुरू हुआ तब ये शेयर टूट के बिखर गया, 34% तक गिरावट आई। क्योंकि भैया डेफिनेटली अशोक लेलैंड की अगर हम बात करें तो वो काफी मीडियम और हैवी व्हीकल्स बनाते हैं, और लॉकडाउन चल रहा है, और तो और इनके जितने भी प्लांट्स थे उस वक्त बंद हो गए थे, तो कोई प्रोडक्शन हो नहीं रहा है। और कोरोना के चलते दिक्कत ये थी कि लोग खरीदारी भी नहीं कर रहे थे, लोग सबके सब अपने घर में बंद पड़े हुए थे। लेकिन धीरे धीरे खबर आना शुरू हुई कि भैया अब धीरे धीरे प्लांट्स खोले जा रहे हैं, और अभी की जो लेटेस्ट खबर है वो ये है कि सारे के सारे प्लांट्स खोल दिए गए हैं अशोक लेलैंड के। पिछले 3 साल की हम बात करें तो 3 साल में अशोक लेलैंड के जो शेयर में 43% की हमें गिरावट देखने को मिली, 165 रुपए शेयर टूटता हुआ नीचे आया है। जैसे कि आप देखिए, 2018 और 2019 का जो वक्त है वो ऑटोमोबाइल कंपनी के लिए उतना अच्छा नहीं था, कंटिन्यूस ये शेयर टूटा है, लेकिन 2020 की शुरुआत ने और ज्यादा तोड़ के रख दिया इसको, और ज्यादा तोड़ के रख दिया। और कोरोना जब से आया तब तो हालत खराब हो गई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज की, और ये उतनी जल्दी रिवाइव होने वाली हालत मुझे नहीं लग रही है। लेटेस्ट अपडेट अगर हम देखेंगे अशोक लेलैंड को लेकर, तो भैया ये है कि आज शेयर में तेजी भी थी। रीजन ये था कि अशोक लेलैंड के सारे जो प्लांट्स है वो सारे के सारे खोल दिए गए हैं। देखिए, शेयर प्राइस ऑफ अशोक लेलैंड जंप्ड ओवर 4% आफ्टर द कंपनी रिज्यूम ऑपरेशन एट ऑल प्लांट्स अक्रॉस द कंट्री। मतलब देश में इनके जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे के सारे अब काम करना शुरू हो चुके हैं, और इसको लेकर इसमें जरूर एक तेजी मॉर्निंग में देखने को मिली थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे गिरावट आती चली गई। अगर हम यहाँ पर बात करें तो 14,208 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, मिड कैप स्टॉक है ये। एनएससी में देखेंगे तो 4,80,00,000 से भी ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिला है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो आप देखिए, प्रमोटर के पास सबसे ज्यादा होल्डिंग है, और प्रमोटर यहाँ पर है हिंदुजा ऑटोमोटिव लिमिटेड, जिनके पास 34.73% की होल्डिंग है। प्रमोटर के द्वारा तकरीबन 9% की होल्डिंग गिरवी भी है। और आप देखिए, एफआईएल्स ने एक बड़ी होल्डिंग यहाँ पर डिक्रीज की है, 19.24% की जो होल्डिंग थी एफआईएल्स की, अब वो 16.94% रह चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी होल्डिंग यहाँ पर इंक्रीज की है म्यूचुअल फंड्स, 7.35% की जो होल्डिंग थी म्यूचुअल फंड्स की, अब वो 9.82% हो चुकी है। तो म्यूचुअल फंड ने बढ़िया खरीदारी की है, और इंश्योरेंस कंपनी ने थोड़ी सी होल्डिंग कम की है, 2.91% की होल्डिंग 2.84% हो चुकी है। अब देखिए, 22 म्यूचुअल फंड स्कीम ने अपना पैसा लगाया है, 412 एफआईएल्स यहाँ पर निवेशित है, और इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 13.77% की देखने को मिल रही है।
50% का डिविडेंड भी पे किया है इन्होंने, अगर हम कहें 50 पैसा पर शेयर का डिविडेंड पे किया है, और ये डिविडेंड इसी साल मार्च महीने को पे किया था, 19 मार्च को इतना बड़ा डिविडेंड इन्होंने पे किया था 50 पैसे का, हालांकि छोटा ही है लेकिन फिर भी इस साल डिविडेंड पे किया है इन्होंने। यहाँ पर हम बात करें तो टेक्निकल रेटिंग अभी इनकी न्यूट्रल दिखाई दे रही है, पी थोड़ा ज्यादा है 15.05 का है, लेकिन क्योंकि इंडस्ट्री पी काफी कम है 13.04 का इंडस्ट्री पी है, बुक वैल्यू 28 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 1.72 है, ईपीएस 3.24 है, और आप देखिए डिलीवरीज 9.88 के आसपास देखने को मिल रही है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 78% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 11% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं, और 11% लोग होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि 89% लोग यहाँ पर पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं और 11% लोग यहाँ पर बेचने की सलाह दे रहे हैं। यहाँ पर हम अगर बात करेंगे तो देखिए, अगर पिछले 2 क्वार्टर को देखें हम, दिसंबर और सितंबर क्वार्टर को, तो जरूर परफॉर्मेंस काफी बुरा रहा है इनका। नेट प्रॉफिट अब देखिए 27-28 करोड़ का देखने को मिला था दिसंबर क्वार्टर में, और सितंबर क्वार्टर की बात करें तो तकरीबन 40 करोड़ के आसपास का इनका नेट प्रॉफिट था, तो काफी कम है ये। और जून में देखिए 230 करोड़ का मुनाफा इन्होंने कमाया था, मार्च में तो 650 करोड़ का मुनाफा था, दिसंबर में भी अब देखिए 380 करोड़ का मुनाफा था। तो कंपनी बढ़िया मुनाफा कर रही थी, 250 करोड़ से 600 करोड़ तक का मुनाफा कंपनी कर रही थी, लेकिन पिछले 2 क्वार्टर में ये जो प्रॉफिट है इनके वो काफी हद तक टूट गए, काफी हद तक टूट गए। क्योंकि भैया उस वक्त ये वो दौर था जब ऑटोमोबाइल सेक्टर मंदी के दौर से गुजर रहा था, गाड़ियां बिक नहीं रही थी, इनके जो प्लांट्स थे वो एक एक दो दो तीन तीन हफ्ते तक बंद रहते थे उस वक्त, क्योंकि भैया गाड़ियां बन के रेडी थी, प्रोडक्शन हो रहा था, लेकिन बिक ही नहीं रही थी, तो और ज्यादा ये लोग बना के करते भी क्या। तो यही एक रीजन था कि प्रॉफिट इनका कम हो गया था, और इवन अगर हम देखें भी तो नेट सेल्स भी कम हो गए थे इनके, जो पिछले क्वार्टर्स में काफी ज्यादा हुआ करते थे, तो नेट सेल्स भी आधे नेट सेल्स इनके हो चुके थे, तो वो भी एक दिक्कत इनके लिए थी, और इनका जो पैसा है वो और ज्यादा खर्च हो रहा था बाकी चीजों में। तो डेफिनेटली दिक्कत यहाँ पर जरूर है, और कल का दिन एक बहुत कल का दिन अभी तो हम नहीं कह सकते, लेकिन 14 मई को कुछ एक अनाउंसमेंट जरूर होनी है। अब वो क्वार्टरली रिजल्ट को लेकर है या क्या है उसके बारे में अभी से कहना मुश्किल है, लेकिन नजर रहेगी कि भैया एक बोर्ड मीटिंग इनकी होनी है और क्या डिसीजन होगा वो भी उस दिन पता चल जाएगा। दूसरी बात कि मार्च क्वार्टर के नतीजे कैसे आएंगे उसके ऊपर भी नजर रहेगी, क्योंकि उम्मीद की जा रही है कि नतीजे उतने अच्छे नहीं आएंगे, क्योंकि भैया बिक्रिया हो नहीं रही है, और मार्च महीने में तो हालत और ज्यादा खराब थी, और जून क्वार्टर तो और तोड़ने वाला साबित होगा यहाँ पर। लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है अशोक लेलैंड इस प्राइस पर थोड़ा सस्ता मिल रहा है, आप चाहे तो एक रिस्क यहाँ पर ले सकते हैं। रीजन यह है कि जैसे कि मैंने कहा वीडियो की शुरुआत में कि सरकार के द्वारा राहत पैकेज अनाउंस हुआ है, आज निर्मला सीतारमण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने बताया था कि किन किन सेक्टर्स को उन्होंने राहत पहुंचाई है, जिसमें अगर हम देखें तो एमएसएमई सेक्टर को 3 लाख करोड़ तक का राहत पैकेज दिया गया है, एनबीएफसी सेक्टर को कम से कम 30 हज़ार से 45 हज़ार करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया है, पावर सेक्टर को 90 हज़ार करोड़ तक का जो पैकेज है वो प्रोवाइड किया गया है, और बाकी की जो अनाउंसमेंट है वो कल होगी और उसके बाद होगी, 3-4 दिन तक ये अनाउंसमेंट चलेगी। तो मुझे लगता है कि अभी तक ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है, तो मुझे लगता है कि शायद ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए भी कुछ ना कुछ रिलीफ पैकेज जरूर अनाउंस होगा। रीजन यह है कि रिलीफ पैकेज उन कंपनीज के लिए होता है, उन सेक्टर्स के लिए होता है जिन जिनको काफी ज्यादा दिक्कत पहुंची या फिर जो काफी ज्यादा लॉस में रहा हो, और डेफिनेटली ऑटोमोबाइल सेक्टर एक लॉस में जरूर रहा है, पिछले काफी अरसे से ये लॉस में रहा है, तो मुझे लगता है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर को लेकर भी कोई ना कोई अनाउंसमेंट होनी चाहिए, कोई ना कोई रिलीफ पैकेज इनके लिए भी होना चाहिए, और अगर वो अनाउंस होता है तो शायद ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक रैली की हम उम्मीद कर सकते हैं, जो रैली हमें आज पावर सेक्टर में देखने को मिली उसी तरीके की कोई ना कोई रैली हम ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी उम्मीद कर सकते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि मुझे अशोक लेलैंड अभी भी इस प्राइस पर थोड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है, और मुझे लगता है कि शायद कोई अनाउंसमेंट हो सकती है इनके लिए। देखिए मैं श्योर नहीं हूं कि होगी ही होगी, लेकिन फिर भी कोई अनाउंसमेंट छोटी सी हो सकती है, अगर नहीं भी होती तब भी मुझे लगता है कि अशोक लेलैंड एक सस्ते प्राइस पर मिल रहा है। अगर आपके पास अशोक लेलैंड का शेयर है तो आप होल्ड कर सकते हैं, पैनिक में आकर लॉस में बेचने की जरूरत नहीं है, और नहीं है
तो आप छोटी छोटी क्वांटिटी खरीद सकते हैं, जरूर खरीद सकते हैं। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहां से एक बहुत बड़ी रैली आ जाएगी, क्योंकि देखिए आपको यहाँ पर एक चीज समझनी है कि अगर कोरोना के केसेस बढ़ते हैं, लॉकडाउन बढ़ता है, तो लोगों की लाइफस्टाइल भी बदलेगी। इससे चलते हुए लोग गाड़ियां खरीदना पसंद उतना ज्यादा नहीं करेंगे, लोग अपनी रोजमर्रा की चीजों को ही खरीदेंगे। लेकिन अगर कोई रिलीफ पैकेज और ऑटोमोबाइल सेक्टर को मिलता है तो एक प्लस पॉइंट होगा। और मुझे लगता है कि ऑलरेडी अशोक लेलैंड में काफी ज्यादा गिरावट आ चुकी है, तो शायद यहाँ से थोड़ा बहुत तो ये ऊपर उठना चाहिए। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और अशोक लेलैंड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।